Assalamu alaikum students. Today we'll start bank reconciliation chapter 8 of introduction to accounting. इसमें टोटल 20 एम सी क्यूज हैं और ऑब्वियसली इसमें अबाउट 12 एम सी क्यूज थोरेटिकल हैं और राउंड अबाउट एट जो है वो नोमेरिकल हैं. तो जरा स्टार्ट करते हैं जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर टू बैंक बाय बिजनेस मैन. यानी स्टैंडिंग ऑर्डर और डेबिट, डायरेक्ट डेबिट के दरमियान जो है रिलेशन क्या है और कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है. ऑप्शन ए देखें, स्टैंडिंग ऑर्डर इज इंस्ट्रक्शन टू मेक पेमेंट, वेयर एज डायरेक्ट डेबिट इज इंस्ट्रक्शन टू कलेक्ट अमाउंट, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों पेमेंट्स हैं. सेकंड, स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट डेबिट आर बोथ इंस्ट्रक्शंस टू बैंक फॉर पेमेंट एंड देयर इज नो डिफरेंस अकॉर्डिंगली. देखे बेशक दोनों पेमेंट जरूर है लेकिन इसके दरमियान एक डिफरेंस है, ठीक है, और वो डिफरेंस लिहाजा यहाँ लिखता है देयर इज नो डिफरेंस अकॉर्डिंगली, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. सी, स्टैंडिंग ऑर्डर अलाउज फॉर पेमेंट फॉर सेम अमाउंट ऑन पेमेंट डेट, वेयर एज डायरेक्ट डेबिट अलाउज फॉर पेमेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑन पेमेंट डेट. सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो सेम अमाउंट आप एक पेमेंट डेट बता देते हैं, उस पीरियड के दौरान उस डेट को वो पेमेंट बैंक करता रहता है, जबकि डायरेक्ट डेबिट में आपकी डिफरेंट पेमेंट डिफरेंट डेट्स पर आप कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस वन, इसको मैंने रेड भी कर दिया, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. डी, स्टैंडिंग ऑर्डर अलाउ फॉर पेमेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑन पेमेंट डेट, वेयर एज डायरेक्ट डेबिट अलाउज फॉर, यानी ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन बहरहाल सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर टू, चेक्स गिवन टू सप्लायर ऑन 20th मार्च 2018 फॉर रुपीज 25,000, बट सप्लायर हैड नॉट येट डिपॉजिटेड द चेक इनटू दिस बैंक फॉर क्लियरेंस. द डिफरेंस इन बोथ बैलेंसेज विल अराइज एट 30th मार्च 2018 एंड कॉस्ट बाय. देखें, अगर आपने एक चेक दिया है सप्लायर को और उसने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो इस चेक को हम नाम देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, विच इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो दिस वन इज वेरी क्लियर, इज अ मोस्ट इजीएस्ट एमसीक्यू, और ये अनप्रेजेंटेड चेक इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर थ्री. Which of the following item is not required to be adjusted in revised cash book? ठीक है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी आइटम ऐसी है जो नॉन एडजस्टेबल है, यानी मीन इन अदर वर्ड्स कौन सी ऐसी आइटम है जो BRS में शो होगी, रिवाइज कैश बुक में एडजस्ट नहीं होगी. बैंक चार्जेस शोन इन बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक चार्जेस हैं वो आप शो करते हो एडजस्टेड कैश बुक में, ये आंसर नहीं हो सकता. A bank transfer shown in bank statement by one of the customer, ये जो bank transfer है जो bank statement में एक customer ने हमारे direct transfer किया है, ये भी answer नहीं होगा. C, amount debited in bank statement as per standing instruction, ये भी हमारा answer नहीं, क्योंकि ये तो पहली तीनों आई हैं, ये तीनों की तीनों जो adjust होंगी हमारी revised कैश बुक में. सो द ऑब्वियसली द आंसर विल बी द डी, द अमाउंट डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट अगेंस्ट चेक सीरियल नंबर नॉट रिलेटेड टू अस, दिस इज द बैंक एरर, ये चेक हमारा नहीं था लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिया. सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर फोर, Which of the following statement is correct in relation to balance of cash book and bank statement? पहली स्टेटमेंट है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक शेल बी क्रेडिट. देखिए, फेवरेबल बैलेंस जो कैश बुक का होता है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. फेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो फेवरेबल जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा. सी को भी देख लें, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस, रॉन्ग स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस.
Same unfavorable balance of cash book represent debit balance. Wrong. It will be the credit balance. So the correct option is the option B. Question 5 देखते हैं. Which of the following statement or statements is are correct about bank reconciliation? अब इसमें से देखते हैं कौन सी statement या statements correct हैं. Uncredited amount shall always be deducted from bank reconciliation statement. देखें deduct जरूर होती है uncredited amount अगर हमारा जो balance है bank statement का जो balance है वो अगर हमारा adverse है OD balance है तो फिर तो हम less करेंगे लेकिन अगर favorable balance है तो फिर add करेंगे तो ये wrong statement है. Second expired check should be reversed in revised cash book. बिल्कुल ठीक है. जो हमारा एक्सपायर्ड चेक होता है वो कैश बुक में जाकर हम रिवर्स कर देते हैं. सो तो बेसिकली द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरी बन रही है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट shown in the bank reconciliation statement. In mein se kaun si item bank reconciliation mein show nahi hoti? Bank charges. Yes, bank charges hi answer ban raha hai. Ye hamari bank reconciliation mein show nahi hoti. Outstanding checks, outstanding lodgement aur bank error ye tino item jo hai ye bank reconciliation mein show hoti hain. So the correct option is the option A. Theek hai. Question number 7 mein move karenge. इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्ट्रिक बैंक रिकंसिलिएशन आर करेक्ट. ऑब्वियसली जैसे आंसर में देखें तो 2 स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं, 2 रॉन्ग हैं. नंबर 1 बैंक चार्जेस ऑफ 100 शोन इन द बैंक स्टेटमेंट शुड बी क्रेडिटेड इन द रिवाइज कैश बुक. बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपकी जो अमाउंट है बैंक चार्जेस वाली वो हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये हमारी पेमेंट है. तो आप ये मैं हाईलाइट करता हूं ये करेक्ट स्टेटमेंट है. अनप्रेजेंटेड ऑफ 3000 शुड बी एडेड इन द कैश बुक बैलेंस. ये कैश बुक में तो आती नहीं है अनप्रेजेंटेड, ये तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में हम इसको लेते हैं तो लिहाजा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. बैंक एरर शुड बी शोन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अगेन करेक्ट स्टेटमेंट और यही दो करेक्ट होंगी लेकिन आखिरी भी देख लेते हैं. ओडी या ओवरड्रॉन इन बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस वेयर एज इट इज डेबिट बैलेंस. सो स्टेटमेंट 1 और 3 तो ये ऑप्शन बी जो है स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो करेक्ट है. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 8 यहां से हमारे कुछ न्यूमेरिक शुरू होंगे. देखिए पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे. क्वेश्चन लिख रहा है व्हाट विल बी रिवाइज्ड कैश बुक बैलेंस एज ऑन 30th जून. यहां मैं आपके सामने एक छोटा सा लेजर बना लेते हैं जिस पर रिवाइज कैश बुक हम बनाते हैं और देखते हैं कि इसका अब आंसर क्या निकलेगा. रिवाइज्ड कैश बुक. ओके जी. अब इसमें कहते हैं बैलेंस ऑफ कैश बुक रुपीज 23,500 क्रेडिट. यानी ये मेरा बैलेंस है. ये मुख्तसर लिख रहा हूं मैं आपका 23,500 ये हमारा बैलेंस आ गया. उसके बाद बैंक चार्जेस ऑफ 500 एंड स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 2000 वर शोन इन बैंक स्टेटमेंट. यानी ये बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो कैश बुक में नहीं आ रहे तो बैंक चार्जेस हम यहाँ क्रेडिट करेंगे 500 और इसी तरीके से स्टैंडिंग ऑर्डर भी जो है वो हम 2000 से क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बोथ आर पेमेंट्स. सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट शोज अ डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ 12,000. डायरेक्ट क्रेडिट बैंक ने डायरेक्टली क्रेडिट किया है तो हम डायरेक्ट डेबिट करेंगे 12,100. In addition, outstanding check of 3050 and bank has wrongly debited our account for 600. ये जो दो amount आखरी आ रही हैं, इसका cash book से कोई relation नहीं है. अब अगर इसका balance करें हम,
ये टोटल 26,000, 26,000 यहाँ से लिया तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मेरा आएगा 26,000 माइनस 12,100 13,900। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो असल में ये क्रेडिट बैलेंस है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन। ठीक है, होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन वो यहां पर पूछ ये रहा है कि व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट एज एट 30th जून 2018। वो कहता है जी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकाल दो। सेम वही क्वेश्चन है तो मैं जहां तक कैलकुलेट कर चुका हूं उससे आगे मैं बनाता हूं जी PRS। और PRS में हमें चाहिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो मुझे नहीं मालूम, हम इसको छोड़ देते हैं। अब सिर्फ दो अमाउंट दी हुई हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं 3050। आउटस्टैंडिंग चेक्स जो है ये अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं, ये डेबिट होंगे और डेबिट होंगे 3050 से। और इसी तरीके से यानी आप इसको माइनस में लिखें क्योंकि पेमेंट चेक है तो बेहतर ये है कि आप इसको माइनस में लिख लें। और बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड अवर अकाउंट, तो बैंक एरर है और बैंक ने हमारे अकाउंट को गलती से डेबिट किया है तो अब बैंक इसको क्रेडिट करेगा बाय 600। क्रेडिट अमाउंट हम प्लस में लिखेंगे तो ऑब्वियसली तो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में 13,900 क्रेडिट, यानी ये 13,900 क्रेडिट माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं, इस अमाउंट में 600 की अमाउंट जो है वो हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे, यानी माइनस करेंगे 600 और प्लस करेंगे हम 3050। आई थिंक फॉर्मूला एरर है, इसको एक दफा फिर देख लें। यानी 13,500 में हम इसको प्लस करेंगे इसको माइनस का साइन लगाएं ताकि वो माइनस हो और इस अमाउंट को हम प्लस करेंगे 600 को तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी ये फॉर्मूला गलत लग रहा है, 11,450 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। अब अगर यहां से चेक करें तो इन तीनों को प्लस माइनस करोगे तो 13,900, ये बार में आप देख सकते हो 13,900। तो रिवर्स कैलकुलेशन शुड बी केयरफुली डन। ठीक है, क्योंकि जरा सा प्लस माइनस गलत होगा तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। एक दफा मैं फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि ये रिवर्स जब जा रहे हैं इसको हम माइनस करेंगे और इसको हम इसमें प्लस करेंगे तो डेफिनेटली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 11,450, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये जब मैंने टेस्ट चेक हुए तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स का ये आंसर जो है वो ठीक नहीं था। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस इन फुल, यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इन दोनों के डिफरेंस को रिमूव कर देगी। तो इसके लिए हम जरा देखें, दो कॉलम बना लेते हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है यानी फेवरेबल बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है जो फेवरेबल है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह होता है कि इसमें जो ए बी सी डी चारों पुट करके देखें, जो सा आंसर टैली करेगा वो आंसर होगा। ठीक है जी, हम इसको सम का फार्मूला भी लगा लेते हैं यहां से, जहां पर ये दोनों अमाउंट इक्वल आ जाएंगी वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो पहले देखिएगा आउटस्टैंडिंग चेक ऑफ 125। देखें आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो बैंक स्टेटमेंट में आता है यानी PRS में, ये 300 हो गया और बैंक चार्जेस जो हैं वो 50 हैं, वो भी माइनस यानी क्रेडिट होंगे तो मैंने माइनस किया तो ये दोनों बैलेंस इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। बी में देखते हैं आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट ऑफ 125 जो यकीनन प्लस होगी
और बैंक चार्जेस 50 जो माइनस होंगे, अगेन आंसर इज नॉट इक्वल। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक ऑफ 125 ये माइनस करते हैं एंड क्रेडिट बाय बैंक एज इंटरेस्ट, तो हम इसको डेबिट करेंगे यानी रिसीट होगी, 50 प्लस करेंगे। नाउ यू कैन सी द आंसर्स 300 एंड 300 आर इक्वल, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है इसको करने का सिंपल तरीका ये है, जैसे मैंने आपके सामने किया कि पहले दोनों बैलेंस लिखिएगा, बैलेंस लिखने के बाद आप एक एक ट्रांजैक्शन को पुट करके देखें, जहां दोनों अमाउंट इक्वल आ जाएंगी वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। बैंक बुक ऑफ नासर लिमिटेड शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500। अब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो है वो माइनस में लिख देते हैं हम, और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है और ये 200 प्लस हो जाएगा। अगेन एक एक ट्रांजैक्शन आएगी, हम इसको सम का फार्मूला लगाते हैं और जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए देखें, आउटस्टैंडिंग चेक ऑफ 250। आउटस्टैंडिंग चेक यहां बैंक रिकंसिलिएशन में से माइनस होगा और बैंक चार्जेस 50 यहां से कैश बुक में से माइनस होंगे, तो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, आउटस्टैंडिंग लॉचमेंट ऑफ 250 यानी ये 250 प्लस किया और बैंक चार्जेस 50 माइनस किए, अगेन द आंसर इज नॉट इक्वल। थर्ड, आउटस्टैंडिंग चेक ऑफ 450 यानी 450 माइनस करूंगा और बैंक चार्जेस 150 माइनस करूंगा, तो ये आंसर ये भी इक्वल नहीं है, इट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स चेक, आउटस्टैंडिंग चेक ऑफ 950 जो यहां से माइनस किया और बैंक चार्जेस 250, बैंक चार्जेस कैश बुक से माइनस हुए, जैसे ही मैंने ये दोनों लिखे दोनों आंसर करेक्ट आ गए यानी टैली हो गए, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन 10 और 11 दोनों बड़े ध्यान से कीजिएगा, एक बार दोबारा रिवाइज जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, व्हाट वाज द इंपैक्ट of the error on the cash equivalent of the business, यानी इन error का cash equivalent पे क्या effect आ रहा है, यानी simple आप ये समझ लो cash balance पे क्या effect आ रहा है। As at 30th June 2018, bank statement balance of 112,500 was shown as credit. Accountant has identified correctly unpresented check of 38,500 and uncredited amount of 22,500 along with the bank error where 3,000 which was wrongly credited to our account. Yahan tak data BRS se relate karta hai. Next wo likhta hai, accountant has prepared bank reconciliation in which unpresented checks were added and uncredited checks were subtracted. ठीक है, यानी इसका मतलब बैंक एरर उसने ठीक ली है, तो हम देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। देखें, अब इसके मैं दो कॉलम बना रहा हूं कि करेक्ट इफेक्ट क्या है, करेक्ट, और रॉन्ग इफेक्ट क्या है। करेक्ट ये थे कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 112,500 क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस में लिखेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ये माइनस होंगे 38,500 और अनक्रेडिटेड अमाउंट प्लस कर देंगे 22,500। 3,000 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां एरर मौजूद नहीं है, हमने सिर्फ एरर का इफेक्ट करना लेना है। इसका मतलब है कि करेक्टली मेरा जो आंसर है यानी कैश बुक का बैलेंस है वो 9,600 होना चाहिए, यानी कैश बुक का बैलेंस 96,500 होना चाहिए फेवरेबल। गलत क्या हुआ देख लेते हैं। वो कहते हैं जी कि आपने जो अकाउंटेंट है उसने अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड कर दिया और अनक्रेडिटेड अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसके बाद अगर आप देखें तो जो बैलेंस आ रहा है वो 128,500 आ रहा है, 128,500। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑफ द एरर ऑन कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस के कैश इक्विवेलेंट पे
क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक चीज और भी देखिएगा, एक चीज हम छोड़ गए, द रिजल्टेंट बैलेंस वॉज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड, हमने इस बैलेंस को लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया ये, ठीक है। तो मेरा जो इफेक्ट आ रहा है वो इन दोनों का सम है, तो यानी 225,000 से मेरा जो कैश इक्विवेलेंट है वो हमारा 225 से अंडरस्टेट हो रहा है, तो इसका आंसर जरा करेक्ट कर लेते हैं, ये गलत लिखा गया 225,000, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये देखें हमारा जो बैलेंस है वो 128,500 नेगेटिव आ रहा था, जबकि होना चाहिए था 96,500, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 225 का इसका मतलब ये हुआ कि कैश बैलेंस जो है वो हमारा अंडरस्टेट हो रहा है, ठीक है। तो 225 से अंडरस्टेट हो गया, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच बैलेंस ऑफ बैंक शुड बी रिकग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जो बैलेंस जाता है वो रिवाइज्ड कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है, जो आप BRS से भी निकाल सकते हो, रिवाइज कैश बुक से भी निकाल सकते हो, यानी जो दोनों से कैलकुलेट हो और आंसर इक्वल आता है वही बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाता है। क्वेश्चन के मुताबिक मुझे बैलेंस दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट का और 223,808 बैलेंस है BRS में और वो बैलेंस है नेगेटिव ओवरड्रॉन। तो अब मैं BRS की आइटम लूंगा, कैश बुक की आइटम नहीं लूंगा। वो कहता है व्हाइल रिकंसाइलिंग द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग मैटर्स वर हाईलाइटेड, चेक्स ऑफ 17,253 नॉट येट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड है, ये माइनस में लिखे जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ 33,152 वाज शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट ओनली, यानी ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं इस वक्त BRS के थ्रू कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको नहीं लोगे। पेमेंट ऑफ 2200 वाज रिकॉर्डेड एज रिसीट इन कैश बुक, ये भी रिवाइज कैश बुक में जाएगा, इसको भी यहां नहीं लोगे। बैंक चार्जेस ऑफ 700 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, ये बैंक चार्जेस जो हैं ये भी हम इसमें इग्नोर कर देंगे, ये भी नहीं आएंगे क्योंकि ये भी रिवाइज कैश बुक में जाएंगे। अलबत्ता अनक्रेडिटेड चेक ऑफ 11,526 नॉट इन बैंक स्टेटमेंट, इसको हम लिखेंगे। और अब मैं टोटल करता हूं तो रिवाइज कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा माइनस में, जो माइनस में बैलेंस आता है यू नो दैट इट इज दिस बैलेंस इज बेसिकली ओडी बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अब हम मूव करेंगे 14 में, ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहां पूछ रहा है अनएडजस्टेड बैलेंस निकाल दो, राइट। अब अनएडजस्टेड बैलेंस निकालने के लिए हम लेजर बनाते हैं, यहां से लेजर बना लेते हैं, दिस वन रिवाइज्ड कैश बुक। अनएडजस्टेड बैलेंस का मतलब है कि इसका ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर मैं सिर्फ एडजस्टेबल आइटम्स लेकर आऊंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पिछले MCQ में छोड़ी थी। नंबर टू ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ 33,152, ये क्वेश्चन 14 यहां पर है, सॉरी मैं यहां पर ले आया, चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं और क्योंकि सेम डाटा है आंसर वहां देख लेंगे। तो आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफर है 33,152 वो बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ शो हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर आपने किया है 33,152, तो ये आपका डेबिट साइट पे आएगा ऑनलाइन ट्रांसफर, और ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो मेरा है 33,152। पेमेंट ऑफ 2200 वॉज रिकॉर्डेड एज रिसीट, असल में हमने पेमेंट की थी और हमने रिसीट रिकॉर्ड कर ली, तो जब मैं दोबारा पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा तो डबल अमाउंट हो जाएगी,
फिर आखिर में कहते हैं जी बैंक चार्जेस 700 के दो मर्तबा कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, एक मर्तबा मैं इसको रिवर्स कर दूंगा 700 से। 1 और 5 BRS में जाएगी, यहां नहीं आएगी। अब क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया था इसी 13 नंबर MCQ में, वो क्रेडिट बैलेंस है 29,535, जो कि यकीनन डेबिट साइट पर आएगा। 29,535, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, ये ऑनलाइन ट्रांसफर जो है, ऑनलाइन ट्रांसफर 33,152, ये आपका इस साइट पे नहीं आएगा, ये पेमेंट है, सॉरी, ऑनलाइन ट्रांसफर 33,152। अब इसको प्लस करते हैं, इस साइट का टोटल आया 37, और इस टोटल को यहां लिखा, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं ये तो अमाउंट, विच इज 7,317। एक दफा फिर इसको चेक करते हैं, आई थिंक क्वेश्चन 14 में कुछ चेंज तो नहीं है। ओके, चेक्स ऑनलाइन ट्रांसफर 33,152 वाज शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट ओनली, पेमेंट थी 2,200 की, आपने उसको रिसीट साइट पे रिकॉर्ड कर दिया। अब उसको पेमेंट रिकॉर्ड करोगे तो डबल अमाउंट हो जाएगी 4,400 से, और अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बैंक, ठीक है। और बैंक चार्जेस आपने दो मर्तबा रिकॉर्ड कर लिए, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा 700 से। और क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 29,535, ठीक है। ये सॉरी, ये मैं गलत कर गया था, सही लिखा हुआ था मैंने इसको ऑनलाइन ट्रांसफर, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर हमारे अकाउंट में हुआ ना, तो ये 33,152। अब इसका बैलेंस हम इस साइड पे निकालेंगे, इधर यहां से टोटल किया, इस टोटल को यहां लिख दिया, इसमें से हम माइनस कर देते हैं दिस अमाउंट, तो 58,987, दिस वन इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अनएडजस्टेड बैलेंस है। और चूंकि ये क्रेडिट साइट पे आ रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस अब हम यहां से देखते हैं 58,987 क्रेडिट बैलेंस, यही मेरा करेक्ट ऑप्शन आएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द करेक्ट बैलेंस ऑफ बैंक बुक एज ऑन 31st जुलाई। ये भी रिवाइज कैश बुक आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस आपको करेक्टेड बैलेंस रिक्वायर किया है उसने क्वेश्चन में, करेक्टेड बैलेंस, राइट। तो ये जरा लेजर का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, रिवाइज्ड कैश बुक, इसका आप क्वेश्चन के मुताबिक डेटा देखते जाएं। वो लिख रहा है जी बैलेंस ऑफ द बैंक book at 31st July was 250,000, but it contains few errors. तो ये balance BT हो गया, 250,000, ये favorable balance है. Then the bank charges of 2,250 were recorded twice in cash book. Bank charges credit side पे record होते हैं, दो मर्तबा record कर दिए, एक मर्तबा bank charges आप reverse कर दोगे 2,250. Direct debit of 3,000 was put on the wrong side of cash book. देखें, direct debit है तो हमें credit करना था, लेकिन हमने उसको debit side पे record कर लिया। अब मैं दोबारा debit करूंगा, sorry, credit करूंगा direct debit को, लेकिन double amount से, 6,000 से। और online credit of 5,000 by customer was not entered in cash book. तो ये online ट्रांसफर जो है ये मैं डेबिट कर देता हूं, क्योंकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब इसको टोटल करते हैं बैलेंसिंग, और आंसर निकालते हैं और चेक करते हैं कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से ये लेस करें 6,000, सो 250
4, 250. This one is the balance carried down. और यही मेरा correct answer है. 254, 250. The option C is the correct option. Question number 16. अब यहां से अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टाइमिंग डिफरेंस इन बीआरएस. देखिए पहली चीज याद रखिएगा, इसमें एक से ज्यादा टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है. बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है. ऑब्वियसली हमने रिकॉर्ड नहीं किया उस डेट को. स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये भी ऑब्वियसली हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन जारी की हुई थी, बैंक ने उस टाइम पे पेमेंट कर दी, हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं हो सकता. आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, यस दिस इज अ टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि ये वो रकम है मैंने स्लिट से आज जमा करवाई, बैंक में 3 से 4 दिन के बाद क्रेडिट हो रही है, तो दोनों के लिए डिफरेंट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बनती है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर रिजल्टेड ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यानी इनमें से कौन सा ऐसी अमाउंट है जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को ओवर स्टेट कर रहा है. राइट कोई भी हम बैलेंस ले लेते हैं लाइक 1000. ये हमने बैलेंस लिखा कैश बुक का, ठीक है जी. अगर वो कहता है जी बैंक चार्जेस रिवाइज ट्वाइस इन कैश बुक, हमने 2 मरतबा रिकॉर्ड कर दिया. जब 2 मरतबा रिकॉर्ड कर दिया तो फिर तो ऑब्वियसली पेमेंट साइड जो है वो हमारी ज्यादा हो गई. और ये इसको मैं रिवर्स करूंगा 100 से. जब 100 से रिवर्स करूंगा तो प्लस हो जाएगा और आंसर जो है वो माइनस पे आ रहा है. तो ओडी बैलेंस जो है वो आपका कम हो रहा है. उसने कहा है जी कि रिजल्टेड ओवर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस. राइट तो ऑप्शन ए नहीं हो सकती. और क्वेश्चन नंबर 2. अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट एंड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. बैंक ने गलती से डिपॉजिट, एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, सपोज 100 रुपीज करवाए, तो सेम वही सिचुएशन आती है. ये आंसर नहीं हो सकता. रिसीट इज पेमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड. यानी जब मैं रिसीट कर रहा हूँ तो पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इसको रिसीट साइट पे रिकॉर्ड करूंगा तो प्लस हो जाएगा. तो ओडी बैलेंस इससे भी ओवरस्टेट नहीं हो रहा. और पेमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन रिसीट साइट लाइक 100, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. सो इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखना होता है कि इन तीनों में से अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो एक आसान इसका हल ये है, आप ये देखिए कि इनमें से 3 डेबिट साइट पे आएंगी कैश बुक के, 1 क्रेडिट साइट पे आएगी. यकीनन जो क्रेडिट साइट पे आएगी वो ओडी बैलेंस को बढ़ाएगी, क्योंकि ओडी बैलेंस भी क्रेडिट होता है. राइट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following is not resulted decline in favorable balance of cash book after adjustment? यानी अगर मैं एडजस्टमेंट करता हूं तो इसमें कौन सी ऐसा है जो फेवरेबल बैलेंस को रिड्यूस नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेबल बैलेंस 1000 है. बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, मैं बैंक चार्जेस को 2 मरतबा रिकॉर्ड कर देता हूं. अब जब इसको रिवर्स करूंगा यानी एडजस्टमेंट करूंगा तो 100 रुपीज, सपोज 100 रुपीज है, तो मैं प्लस करूंगा, तो आंसर जो आ रहा है वो 1100 आएगा. जबकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि नॉट रिजल्टेड डिक्लाइन, तो ये अभी देखिएगा ये डिक्लाइन नहीं कर रहा. अभी तक तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन बी सी डी भी चेक करते हैं. बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगर 100 रुपीज के बैंक चार्जेस हैं और मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा तो बैलेंस डिक्लाइन हो जाएगा. जबकि वो कहता है हमें वो आंसर चाहिए जो डिक्लाइन नहीं होगा. ऑप्शन बी कैन नॉट बी आंसर. स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. अब स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट लेट से 200 थी, अगर मैं 200 माइनस करता हूँ तो क्योंकि पेमेंट है तो ये भी मेरे फेवरेबल बैलेंस को रिड्यूस कर रही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता. और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट वॉज रिकॉर्डेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ कैश बुक,
यानी मैंने रिसीट साइट पे रिकॉर्ड कर ली, अब जब मैं पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड करूंगा तो अगेन ये माइनस होगा, दिस वन कैन नॉट बी द आंसर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी हैव ओनली टू एमसीक्यूज, एमसीक्यू नंबर क्वेश्चन नंबर 19. देखिए इसमें ये मुख्तलिफ आपको डेट में मुख्तलिफ चेक नंबर दिए हुए हैं और मुख्तलिफ अमाउंट हैं जो बैंक ने डेबिट किए हैं. मार्च के महीने की बात कर रहा है, वो कहता है टोटल चेक्स इशूड ड्यूरिंग द मंथ वर अमाउंटिंग टू 37,300, यानी हमने टोटल चेक इशू किए हैं 37,300 ये इशू किए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट, अब देखना ये है कि कौन से चेक जो है वो डेबिट कर दिए हैं बैंक ने. जो पहला चेक है 2500 का, ये प्रेजेंट हो चुका है, ये माइनस कर दीजिएगा. दूसरा चेक 212263, ये भी प्रेजेंट हो चुका है, ये भी माइनस कीजिएगा. तीसरा चेक आप देखिए 212266, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट हो गया है. फोर्थ चेक 5263563, ये चेक सीरियल नंबर, अगर आप गौर से देखें ये चेक सीरियल नंबर हमारी सीरियल से रिलेट नहीं करता, तो ये बैंक एरर है, ये हमारा चेक नहीं है. और आखिरी चेक 212270, ये भी प्रेजेंट हो चुका है. तो अनप्रेजेंटेड चेक जो बचेंगे वो हमारे पास 21500 के होंगे. आप देखें तो आंसर बी भी बनता है, टोटल अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेकिन सी में भी लिख रहा है टोटल अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 21500 बट एंड बैंक एरर ऑफ 3200. यस ये बैंक एरर है दिस वन, तो लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो अब हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ जाएंगे, एमसीक्यू नंबर 20. इसकी रिक्वायरमेंट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट रुपीज 27,500 ओवरड्रॉन, यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 27,500 ओडी है और कैश बुक का बैलेंस 27,500 फेवरेबल है एट स्पेसिफाइड डेट. The both balances are not reconciled and difference is 55,000. Yes, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि देखिए आपका दोनों अमाउंट बेशक सेम है लेकिन एक ओडी है एक फेवरेबल, तो ये डबल वेरियंस डिफरेंस क्रिएट कर रहा है. दूसरा लिखता है बोथ बैलेंसेस आर रिकंसाइल्ड एज शोन नो डिफरेंसेस अमाउंट, ये गलत स्टेटमेंट है, दोनों में डिफरेंस है. सो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ये दैट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर. आप एक मरतबा इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा और खास तौर पे जो नोमेरिक का जो स्टाइल है उसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा. ठीक है जी, तो मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.